देखिए दोस्तों, खाना बन चुका है, हमारे टेबल पे खाना लग चुका है, सारे खाने के लिए तैयार है। देख सकते हैं पूरा थाली लग चुका है। हेलो गाइस, देखिए खाना बन गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का पूनम फैमिली ब्लॉग में। ऐसा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए आज खाने में मन रहे मच्छी, मच्छी फ्राई कर रही हूँ। देख सकते हैं मच्छी से बहुत डर लगता है जलने का, उड़ता भी है। इधर देखिए मेरे बच्चे लोग क्या चल रहा है, चिल्लर पार्टी का नहीं दिखा सकती अभी क्योंकि रागनी अभी कपड़े नहीं पहनी है, अभी बैठी है नहा के आके, अभी कपड़े पहना लूंगी फिर दिखाऊंगी। देखिए देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं, नहीं पहना देती मैं, मेरी बिटिया के शरम आ रहा है, रुक जाइए गाइस। देखिए रागनी कपड़े पहन के बैठ चुकी है, उधर मैच चल रहा है इन सब का। इधर मेरा मछली फ्राई हो चुका है, देखिए एक ही बार में ये बिल्कुल फ्राई पलटा चुका है। देखिए इधर मुंडी बचा हुआ है, आज मच्छी खाने का मन कर रहा था, मच्छी मंगाए रागनी पापा लाए हैं। इस मछली में हल्दी नमक मिलाई हूँ बस, बाकी और कुछ नहीं। ऐसे फ्राई हो रहा है, देखिए दो मच्छी है, इसके मुंडी दो दो फ्राई करवा लिए, चार हो गया है। रेहू मछली है ये, देखिए हमारा हो चुका है मछली निकालने लायक, बिल्कुल मछली के पकौड़ा करारी, देख सकते हैं। खाली दे दीजिए तो देखिए सारा मैंने पीस डाल दिया है, मुंडी मुंडी सिर्फ बच गया है मच्छी का मुंडी, देख सकते हैं। इधर मैंने मसाला देखिए मिक्सर में पीस लिया है, लहसुन सरसों काली मिर्च जीरा सबको पीस लिया है, और धनिया पाउडर हल्दी और मिर्च ऊपर से डालेंगे। इसमें दाल चावल बन चुका है, देखिए ये भी मछली फ्राई हो चुका है, पलट दूंगी। बिल्कुल मैं करारा करके दाल मछली को फ्राई करती हूँ। बिल्कुल करारा है, देखिए देख सकते हैं, लग रहा है कि बिस्कुट है ना, करारा मैंने तला। चलिए पूरा तल लेते हैं तो आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए मैंने सारा मच्छी फ्राई कर लिया है, उधर देख सकते हैं पूरा फ्राई हो गया है। अब इसमें तड़का के लिए सरसों काले वाला, इधर जो मसाला पीस के मैंने रखा था वो डालेंगे। चटक देखिए सारा चटक चुका है, थोड़ा सा पहले डाला हिंग देना तेल, बीच में धनिया डाल दूंगी, धनिया पाउडर, किसी के साथ टमाटर से बन गए, थोड़ा सा पानी, नमक, मछली में भी नमक डाला हुआ है, कम नमक डाल दी।
रुक जा बन रहा है। थोड़ा सा और पानी मैंने डाल दिया है, इसको ढक देंगे आराम से। टमाटर गले देखिए, मसाला चेक कर ले रही हूँ। देखिए मसाला के कलर तेल छोड़ दिया है, अब मसाला मेरा भुजा चुका है, देख सकते हैं। अब देखिए मिलाते हुए मेरे सारा टमाटर को मिक्स कर दिया है, गल चुका है टमाटर। इसमें पानी डालेंगे, मसाला अच्छे से पक चुका है। अब देखिए पानी डाल देती हूँ। और ये मसाला का पानी है, तरी हमारा तैयार हो चुका है, अब उबलेगा, उसके बाद इसमें मछली डालूंगी, देख सकते हैं। चावल के साथ खाना है इसलिए इतना पतला है, रोटी के साथ बनाना हो रहता है तो थोड़ा गाढ़ा रखते हैं। एक उबाल आएगा उसके बाद मच्छी इसमें डालूंगी। देखिए मसाला उबालना शुरू हो गया है, और तरी अब इसमें डाल लेंगे मच्छी को। देखिए मैंने सारा मच्छी डाल दिया है, इसमें से धनिया पत्ता थोड़ा डाल देंगे। अब 2 मिनट उबलेगा फिर बंद कर देंगे। देखिए मच्छी हो चुका है, अब गैस बंद कर दे रही हूँ। तैयार है मेरा मच्छी बन के, चलिए खाने पे मिलते हैं। देखिए पूरा टीम बैठा हुआ है खाने के लिए, अब खाना निकालूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए दोस्तों खाना बन चुका है, हमारे टेबल पे खाना लग चुका है, सारे खाने के लिए तैयार है, देख सकते हैं पूरा खाली लग चुका है। हेलो गाइस, देखिए खाना बन गया और मछली भी बन गया है हमारा, अब खाने के लिए टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। टेस्ट करिए, लो जी लो। ना पापा, एक रखने के दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, इसमें कम काट रहे थे। तड़ी रजी बाबूला गाइस, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और बताइए हमारा मच्छी कैसा बना है। गाइस खा लीजिए, खा लीजिए गाइस, आप लोग भी खाओ बेटा। थोड़ा सा मच्छी बहुत बढ़िया बना है। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बाय 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 गाइस।